अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ कुरैशी कुछ नए स्टाइल में दही टमाटर और ओनियन का रायता लेकर आई हूँ। ये दही है जो मैंने पाव किलो ले लिया है, दो बड़े टमाटर है जिसको बारीक काट लिया है, कोथमीर है आप अपने हिसाब से डालिए, एक बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तीन हरी मिर्ची है जिसको बारीक करके काट ली हूँ, और ये फ्रेश अमूल क्रीम है, और ये चमचे के हिसाब से आपको नमक, काला नमक, काली मिरी पिसी हुई और शक्कर है, अगर आप डालना चाहे ऑप्शनल है आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ये दही में मैंने टमाटर डाल सॉरी प्याज डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिला ली हूँ, और ये टमाटर है इसको भी डालकर अच्छे तरीके से मिला लेना है, और अब इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और अब हम इसमें कोथमीर अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको डालना है, मैंने दो चम्मच डाला है और आपको जो इतना डालना है आप डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। मेरी वीडियो एक डिलीट हो गई है, इसमें मैंने दो चम्मच छोटे भर के फ्रेश क्रीम डाला है, और ये सारे स्पाइसी मसाले हैं तो आप इसको भी डाल दीजिए, और माशाल्लाह से देखिए क्या क्या टेक्सचर बनकर आया है दही का, क्रीम का और सारे मसालों का, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कचूमर बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा दही टमाटर और ओनियन वाला रायता कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह।